12 फरवरी को दिन दहाड़े चित्रकूट से दो जुड़वा बच्चे देवांग और शिवांग के अपहरण और हत्या के बाद चित्रकूट में तनाव, सभी 6 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। पिछले दिनों के सबसे चर्चित जुड़वा बच्चों से जुड़े मामले का पटा 6 बड़े ही दुखद अंदाज में हो गया, जिनके शव उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से पुलिस ने बरामद करने में सफलता पाई है। बच्चों के शव मिलने से पूरे चित्रकूट क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। चित्रकूट इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। माना जा रहा है 20 लाख रुपए लेने के बाद भी अपहरणकर्ताओं ने अपनी पहचान हो जाने के डर से दोनों बच्चों के हाथ पैर बांधकर यमुना में फेंक कर उनकी हत्या कर दी। हम आपको बता दें, जिन 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो सब काफ़ी बड़े घरों के लड़के हैं। जल्द पैसा कमाने के लालच में उन्होंने यह किया। 2 लड़के बी के छात्र तो एक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला निकला, साथ ही एक लड़का एक बड़े ट्रस्ट के पुरोहित का बेटा बताया जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें, रीवा आईजी चंचल शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपराधियों के पास से बरामद गाड़ी से एक बड़ी पार्टी भाजपा का झंडा लगा होना बताया, साथ ही बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक का भी नाम लिया है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना को लेकर दुख प्रकट किया है। आया तो मन उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन अभी दिल में ऐसी पीड़ा है कि जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चित्रकूट में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। 2 मासूम बेटे श्रेयांश और प्रियांश का दिन दहाड़े अपहरण हुआ। 12 फरवरी की यह घटना थी। अपेक्षा ये थी कि घटना को सरकार प्रशासन गंभीरता से लेगा और बच्चे सुरक्षित वापस लौट आए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले ऐसी खबर मिली जिससे मन वेदना से भर गया। मुझे मीडिया के माध्यम से ही मिली कि वो दोनों मासूम बच्चे अब इस धरती पर नहीं रहे। हम कल्पना कर सकते हैं उन माता पिता के दर्द का जिन्होंने अपने जुड़वा लालों को खो दिया। उनकी पीड़ा का सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। लेकिन इतने दिनों तक अपहरणकर्ताओं के चंगुल में उन बच्चों ने कितनी यातनाएं भेजी होगी, कितनी यातनाएं भोगी होगी, उसकी कल्पना करके भी मन सहर उठता है। मध्य प्रदेश शांति का टापू था, अपराध का महाद्वीप बन गया है। मैं केवल मित्रों आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा, मेरी प्रवृत्ति भी वैसी नहीं है, लेकिन इस घटना ने अंतर मन न केवल दुखी किया है बल्कि अंदर से हिला दिया है। भगवान न करे कभी अपहरण हो, लेकिन ऐसी कोई घटना होती थी तो हम दिन और रात मॉनिटरिंग करते थे और कोशिश करते थे कि कम से कम सही सलामत हम कैसे लोगों को निकाल लें।